हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि पढ़ाई के लिए हाँ और क्रिकेट के लिए ना। हमारे पेरेंट्स, आपने देखा होगा ना, हमेशा वो ये बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए मैं तेरे को कितने भी पैसे दे सकता हूँ बट क्रिकेट के लिए नहीं दूंगा, राइट? तो आपको क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं मिलती ओवरऑल, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। वो क्यों नहीं मिलती? और इस थॉट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। तो आपको सबसे पहली बात ये जाननी है कि ये फीलिंग आपके घर वालों के अंदर आती क्यों है, राइट? तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि हमारे मॉम डैड हमें पढ़ाई में क्यों सपोर्ट करते हैं। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक समय बाद, आफ्टर पासिंग योर ट्वेल्थ, आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाती है कुछ समय बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। उससे आप क्या करते हो, उससे आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करने की कोशिश करते हो उन डिग्रीज के थ्रू, राइट? और कई लोग इस फील्ड में भी ऐसे होते हैं, कई लोग अचीव कर पाते हैं, कई लोग अचीव नहीं कर पाते। बट बात आती है स्पोर्ट्स की। देखिए, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, राइट? ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसका एक फुल डिटेल वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो वीडियोज़ आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर करेंगे उस वीडियो को देखने के बाद, राइट? बट मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक यूनिक पॉइंट के बारे में। और वो यूनिक पॉइंट क्या है? वो यूनिक पॉइंट है, देखिए, जब भी आप किसी भी एकेडमी के अंदर जाते हैं, राइट, तो क्या कभी किसी कोच ने आपसे ये बोला कि बेटा आप 5 साल बाद क्रिकेटर बन जाओगे, इंडिया खेल जाओगे और इंडिया खेलने की डिग्री मैं आपको दूंगा? ऐसा है या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और किसी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप कितने साल के अंदर इंडिया खेल जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल में खेलते हैं, कई लोग 15 साल में खेलते हैं, कई लोग 12 साल में खेलते हैं, राइट? कई लोग 10-12 साल क्रिकेट खेलते हैं, वो बोर्ड क्रिकेट ही नहीं खेल पाते, ऐसा भी होता है। और हर स्पोर्ट्स का ये हाल है। तो ये एक स्पोर्ट्स की सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्पोर्ट्स में आपको एंटर करवाने में कतराते हैं। अगर आप हॉबी के लिए खेल रहे हो तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट जब आप उसको एज ए करियर बनाते हो तो वो कतराते हैं। तो उनको लगता है कि यार पता नहीं कब क्रिकेट में कामयाब होगा और कब क्या आगे की चीज़ें होंगी, तो इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं आपको इस बात से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को दुश्मन मानना स्टार्ट कर चुके हैं कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ये करते हुए। तो आपको अपने आप को ये बात बतानी है कि जिस स्पोर्ट्स के अंदर हो आप, वो उसकी सच्चाई है। और इसमें आपके माँ बाप की कोई गलती नहीं है कि क्रिकेट के अंदर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, राइट? कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि और सब चीज़ों के इंस्टीट्यूट होते हैं ना भाई, कॉलेजेस होते हैं पढ़ाई के, तो वहाँ से आपको पता रहता है कि मेरे को 3 साल बाद इसमें डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल बाद ये डिग्री मिल जाएगी। बट क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई डिप्लोमा कोई डिग्री नहीं है, राइट? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही कुछ कंडीशन पे, तो वो भी सही है एक जगह पर, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप जब जल्द से जल्द मेहनत करो, मेहनत करते रहोगे, तो आप जल्दी अगर बोर्ड खेल जाते हो तो आपको फिर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, एंड आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ साथ ही मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और ये गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग बोट ट्रॉफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर हम बताने वाले हैं बोट ट्रॉफी से जुड़े हुए फायदे। कई बच्चे बोट ट्रॉफी खेलने के बाद भी क्रिकेट छोड़ देते हैं, इसके साथ साथ ही बोट खेलने के बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको आगे हेल्प करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है बोट खेलने के फायदे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको बताएं क्या करना है।